नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डीएसपी न्यूज में। इस वक्त हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी के बाहर मौजूद है अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब अभी पूरी दिल्ली की जनता को जो है भाषण देते हुए गए हैं। साफ तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता के बीच क्या माहौल है, क्या माहौल? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, दिल्ली नहीं पूरे भारत का माहौल अच्छा है। कल रात से एक ऊर्जा बढ़ गई है कार्यकर्ताओं में, और अब सातों की सातों सीटें और पंजाब की तेरह सीटें गठबंधन जीतने जा रही है, और इसका असर पूरे इंडिया में पड़ रहा है। जहां जहां केजरीवाल जी ने कहा है कि सीटें घट रही है, ये हकीकत है। सट्टा बाजार का भी रिव्यू आ गया है, हर प्रांत में 10 से 12 सीटें घटने जा रहे हैं, और मोदी सरकार 225 में रुक रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो आरोप बता रहे हैं, लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने ही पार्टी के नेताओं को जो है धीरे धीरे निपटा देते हैं, कितनी सच्चाई? कौन अपना निपटा? बीजेपी जैसे जिस तरीके से केजरीवाल साहब बताए, बिल्कुल सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई है। योगी को निपटाने की तैयारी है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी है। क्या वो जिस तरह से योगी सर पे बैठ रहा है, इन्हें मालूम है ये कल को ये प्रधानमंत्री का दावा करेगा। सबसे पहले अब योगी निपटेगा, और ये हकीकत है। हल्के हल्के जितने भी बुजुर्ग इनके चेहरे थे, उन सबको खत्म कर दिया है जी, इन सबको खत्म कर रहे हैं ये। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो इस बार बदलने वाला है? एक सेकंड सर। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हमारे इंडिया लाइन से हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अगले 25 मई भाजपा गई, यही हमारा अगला नारा है, और भाजपा यहाँ से साफ होगी, पूरे देश से साफ होगी। दिल्ली से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल साहब का पहला भाषण सर आप लोगों ने सुना। देखिए, जेल के ताले टूट गए और मोदी अंकल रूट गए। मोदी अंकल कल बहुत रूटे हुए हैं। कल अमित शाह की बाइट चल रही थी, अमित शाह से पूछा जा रहा था कि केजरीवाल जी छूट गए, बड़े गुस्से में झुंझला के बोले, अरे वो तो अंतरिम बेल है, छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, उनका काम है। इस तरह से झुंझला के बोल के गए, जैसे उनको ततैया ने काट लिया हो, बर ने काट लिया हो, और मुंह सूज गया उनका, उनकी रात को नींद उड़ गई है। जितने भी आपने पीली वाली ततैया देखी ना, बरी है, जब वो काटती है मुंह सूज जाता है। कहीं ना कहीं आज हमें सबको विश्वास हो गया है जुडिशली पे, कानून पे, जजों पे, कि कहीं ना कहीं आज हमारी बात सुनी जा रही है। भले ही 20 दिन की अंतरिम बेल दी है, लेकिन इस 20 दिन में अरविंद केजरीवाल जी पूरे इंडिया के अंदर हंगामा मचा देंगे, और ये हकीकत है। जो सीटें डाउन हो रही थी, 10 हो रही थी, वो और नीचे जाएंगी। ये आंधी जैसी अरविंद जी वहां से छूटे हैं, एक पूरे भारत के अंदर आंधी चली है। आपने देखा होगा, एक टाइम आया था कि राजीव गांधी जिस टाइम डेथ हुई थी, तो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, आंधी आई थी, वही आंधी आज आ गई यहाँ पर दिल्ली के अंदर आंधी आ गई है। जुबड़ा साहब अंकल बहुत रूठे हुए हैं, अंकल बहुत रूठे हुए हैं। जब भी कोई कार्य शुभ कार्य होता है, अरविंद केजरीवाल साहब हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, बजरंग बली जी के। आज भी दर्शन करने गए थे चुनाव से पहले। हनुमान जी जो है सारे जितनी भी विपदा है सबको हरण कर लेते हैं, और आज हनुमान जी ने सारी भी अरविंद केजरीवाल की विपदा को हरण कर लिया है, और मोदी जी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि सिर्फ नाटक करना जानते हैं, काम कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, अब बोलने में तो कुछ भी चला जाएगा, उनका कुछ नहीं है नाटक। काम दिल्ली की जनता ने करा, ये महिलाएं खड़ी हुई है, इनकी बस फ्री है, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल रही है, लोगों को पेंशन मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, और क्या चाहिए दिल्ली वालों को, और क्या चाहिए? तुमने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रखा है, राशन दे रहे हो, ने भिखारी बना रहे हो, एक तरफ 5 ट्रिलियन की बात करते हो, और एक तरफ 80 करोड़ लोगों का भूखा मार दे हो। एक तरफ आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, पिछले 5 साल में 5 ट्रिलियन बना देंगे, और एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हो राशन देके। आप उन्हें रोजगार दीजिए, उनको सक्षम कीजिए, उनको ग्रोथ दीजिए, आप क्या राशन बांट रहे हो? बीजेपी के लिए जो है कोई बड़ी मुसीबत जो है चुनाव से पहले आ गई है। कल रात को मुसीबत आ गई है मोदी जी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के हलक में अरविंद केजरीवाल जी अटक गए। वो निकल रहे हैं तो मर रहे हैं, उगल रहे हैं तो अंधे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है कि अच्छों की नींद उड़ा देता है, और 20 दिन में मोदी जी की अगर नींद उड़ा के उन्हें डायबिटीज ना कर दे तो मेरा नाम कलीम खान नहीं। चलिए एक सेकंड सर, रुकिए सर, महिलाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है आज केजरीवाल साहब जिस तरीके से बात? सर, महिलाएं तो सारी खुश हैं जी, सारे खुश हैं इनके आने से। कल ही पता लग गया था जब आंधी आ गई, भगवान भी खुश हो गए उनसे। तो अब मोदी का बैंड बजने वाला है, अब उनका बैंड बजने वाला है, अब आ गया उनका। राम राम कहते थे, राम राज तो अब आया है,
हमारा नाम तो अब आया है, जो औरतों के सबके लिए भलाई के लिए सोचते हैं, सबके लिए फ्री, सब चीज फ्री, शिक्षा फ्री, स्कूल फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ वो सोचते हैं। मोदी जी क्या सोचते हैं? अंबानी के लिए सोचते हैं, मिडिल क्लास के गरीबों के लिए सोचा है कभी उन्होंने? ये फोन है ना सर, ये फोन सेफ नहीं है, लड़कों को काम रोजगार नहीं, फोन चोरी कर लेंगे। आप बताओ ना, कोई काम है लड़कों के पास? काम है? मोदी जी ने अरविंद जी को अरेस्ट किया भ्रष्टाचार के मामले में। मोदी जी दो दिन पहले बोल रहे हैं कि राहुल को, कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसे आए। कहाँ है वो ईडी? क्यों नहीं भेज रहे जब आपको मालूम है आप रिश्वत के पैसे आपने राहुल जी को और कांग्रेस को दिया? कहाँ है वो ईडी? आज क्यों नहीं भेज रहे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को? वो टेम्पो को है, कौन से नंबर है टेम्पो वाले, उनको क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल उनके साथ भी होगा। चुनाव से पहले जो है केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी होती है, फिलहाल चुनाव के बीच में जो है दिल्ली में जो है अभी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, चुनाव से पहले केजरीवाल साहब की जमानत मिलती है, क्या लगता है माहौल किस तरीके से? देखिए माहौल बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा माहौल, कल के बाद और अच्छा हो गया है। इंडिया गठबंधन को एक ग्रोथ मिली है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, अभी स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी किस तरह से प्रचार करना है। और केजरीवाल जी उन सीटों पे भी असर कर रहे हैं जहाँ इंडिया गठबंधन के दिल्ली के आसपास प्रांतों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बंगाल हो, उसका भी असर, केजरीवाल जी का असर वहाँ भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के जबरदस्त विरोध के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी, तो ये तो हम सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आई है। ये तो भाई साहब सीजेआई चंद्रचूड़ को हम सलाम करते हैं कि ऐसे जज हमेशा रहें, वरना तो भाई साहब ये देश का भंटाधार कर देंगे, बेच देंगे। ये तो थोड़ा सा जजों का डर है, सुप्रीम कोर्ट का डर है जो अपनी इनकी मनमानी नहीं चल रही है। बताइए सर क्या माहौल है दिल्ली में? देखिए आप ये जनसैलाब देख रहे हैं ना, ये माहौल बतला रहा है कि इस बार जो है बदलाव बहुत जल्दी होने जा रहा है। और मोदी जी बौखला रहे हैं, इतने बुरे बौखला रहे हैं हार के डर से कि वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं जी। क्योंकि अब 4 जून को मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है, बदहाली जा रही है और खुशहाली आ रही है। केजरीवाल जी का भाषण सुना आपने? सुना। कितना एनर्जेटिक लगा आपको? देखिए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डालकर सबसे बड़ी गलती की, अपने पैर पे कुहाड़ी मारी, दिल्ली में ही मजबूत नहीं किया इनको, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को इन्होंने मजबूत कर दिया। राजनीति में एक तरह का बदलाव आया है और देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई केजरीवाल को जेल में डाल के। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100% गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है सरकार। जी सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है वो बीजेपी है, जितने भी है आओ और भ्रष्टाचार उनका खत्म, सारे विपक्ष को जेल में डाल दो, खत्म कर दो। और जो आज अरविंद जी ने बताया है ये बहुत पहले से हमें पता है, क्योंकि जब इन्होंने ले आए 75 साल के बाद रिटायर वाला, अब अपनी बारी आएगी जब देखेंगे 75 साल के बाद रहते हैं या रिटायर होते हैं जी। ठीक है जी, सुना केजरीवाल जी का आपने? सुना है, तो रिटायर होना है इन्होंने। पहले के भाषणों में आपके भाषणों में कितना चेंजेस सुनने को मिला है केजरीवाल जी के भाषण में? अरे चेंजेस, अरे जेल में डाल के उनको और रगड़ के साफ सुथरा कर दिया, पहाड़ होता और वो उनको जो ना एक आक्रमण करने वाला बंदा बन गया, शेर गचा से धारता है। और एक पिंजरे में शेर को कब तक बंद रखोगे? आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिए कोई बड़ी खबर है? ये बड़ी खुशखबरी? बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये देखिए जो है आम आदमी पार्टी के बाहर इस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम देखने को मिल रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब जो है यहाँ से भाषण देकर के गए हैं और साफ तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो है केजरीवाल को तो जेल में डाल तो दिए, लेकिन केजरीवाल एक इंसान नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। और हालांकि जो है लगातार समर्थकों के अंदर तब से खुशी का माहौल है जब से ये खबर सुना है कि केजरीवाल साहब को जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है, यानी कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा जो है जन आक्रोश जनता के अंदर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर भी इसका बहुत बड़ा फर्क भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव जो है चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। फिलहाल जनता जो है लगातार इस बात का समर्थन दे रही है कि दिल्ली के अंदर बदलाव जो हो इस बार होके ही रहेगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए देशो न्यूज़। धन्यवाद।